Hello everyone, this is Syed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. दरअसल आपा का फोन आया था कि मियां अगले माह उम्रे पर जा रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर दो हफ्ते या दस दिन में शादी हो जाए तो अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया और मैंने बरवक्त ब्रेक लगा ली। पता नहीं कहां से अचानक नमूदार हो गया। बद्दुआएं अगर दिल से निकले तो पीछा नहीं छोड़ती, और ऐसी बद्दुआएं जो कि इन पाक हस्तियों ने दी हो, बुजुर्गों ने दी हो, उनसे पीछा कैसे छूट सकता है भाभी जी। 24 घंटे से कम वक्त में मैं तुम्हारी बाजी उलट दूं। अगर मोहब्बत के लिए मैं तुमसे भीख मांग सकती हूँ ना साहिर, तो मोहब्बत के नाम पर तुमसे लड़ भी सकती हूँ। कि तुम साहिर और कोमल की शादी क्यों रखवाना चाहती हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? अम्मा जी, क्या लेना चाहती हैं आप मुझसे? ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगने वाली हैं? मेरा बच्चा, मेरा और भोले का बच्चा चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पीरो मुर्शिद को चाहिए। नूरबानो, तू नहीं जानती कि भोले पर मेरी हद चिकनी का कितना भारी साया है। वो पीरो मुर्शिद की दुआओं से आया इस दुनिया में, उनकी अमानत थी, मैंने मैंने नहीं लौटाई। बदले में बाप का साया छिन गया सर से, और उसकी ज़हनी हालत तो देखी है तूने। भोला सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तेरा शौहर भी है। मैं नहीं लुटा सकती उसे वापस, और वैसे भी अब तो वक्त चला गया। मैं नहीं चाहती कि तू इस सजा में हिस्सेदार बने, इसलिए ही एक रास्ता बचा है कि भोले का बच्चा हदीये में देकर कुछ बचा ले। वक्त आपको पता है अम्मा जी, सबसे ज्यादा जरूरी किसको बचाना है? ईमान को। नूरी जी, अम्मा खुद के और आपके भी ईमान को, इसलिए मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। लेकिन तूने मुझसे वादा किया था। हाँ, मैंने एक बेटी बनकर एक माँ से वादा किया था, एक माँ ने अपनी गोद खाली करने का वादा नहीं किया था अम्मा जी, और ना ही अल्लाह की इस बंदी ने अल्लाह की दी हुई नेमत को किसी और की अमानत समझकर शिर्क करने का वादा किया था। अम्मा जी मेरी तरफ देखिए, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। अम्मा जी मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी अपना। आखिर आप बताते क्यों नहीं है, ऐसा क्या कह के गई है? कोमल के अब्बा, आपसे पूछ रही हूं मैं, आखिर ऐसा उसने क्या कहा है कि आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं? ठीक है, आप नहीं बताते ना, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेती हूँ। खबरदार, खबरदार रजवाना, जो तुमने इस मामले में किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुम इससे दूरी रहो। मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है, उसके भी तेवर ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुम जाओ रिजवाना। मगर मैंने कहा ना, जाओ, और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना।
इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, मेरे सवाल का जवाब दो। जाहिर आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि नूर बानो तुम्हारी और कोमल की शादी के खिलाफ है? इत्तेफाक से मैं भी आपको इसी सवाल का जवाब देने आया था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अपनी इज्जत और मकाम को दांव पर लगाकर सब कुछ खुद आके बता देगी आपको। किसी की बहू बेटी ना सही, कम से कम उसे अपने औरत होने का लिहाज करना चाहिए था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वो ये सब कुछ कह के गई है। बोलो। किया ही तो नहीं, मेरे इनकार ने उसे मायूस कर दिया और वो इन ओछी हरकतों पर उतर आई। उसे किसी चीज का लिहाज नहीं है, लेकिन मुझे है, आपके खानदान की इज्जत का, अपने मरहूम वालदैन की तरबियत का, जमाने का। वो मेरे माजी की एक भूल थी जिसे मैं भुला चुका था, और उसे भी यही चाहिए था कि सब कुछ भुलाकर अपने शौहर के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन वो, मैं कैसे कहूं, शर्म के मारे जबान साथ नहीं दे रही। वो इस ताल्लुक को दोबारा इस्तवार करना चाहती थी। बस इतना ही? मैंने इनकार कर दिया क्योंकि यह मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरे इनकार ने उसे पागल कर दिया। इसीलिए वो नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरी औरत से शादी करूं। ओह, अच्छा, समझ गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? मम्मी, यहां क्या? मेरे पास सबूत है, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास उसकी। आप जब ये देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे इस सबूत को बाद में देखते हैं, पहले ये सबूत सुन लो जो नूर बानो खुद मुझे देकर गई है। और तुम यकीन करो साहिर, इस सबूत को सुनने के बाद तुम्हारे इस सबूत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सुन, तुम्हें कुछ अरसा वहीं रहना पड़ेगा, दिल मार के भोले की बीवी बनकर, और तुम्हें कोमल का शौहर बनकर जरूरत पड़ी तो। देखो, मैं एक डेढ़ साल तक उन्हें नहीं डाल सकता, और अगर साफ इनकार कर दिया तो मेरा तुमसे और उस घर से सारा रास्ता टूट गया। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? कैसी मदद? तुम्हारे चाचा जान भोले की जान के दुश्मन है, तुम्हारे बच्चे को कैसे बख्शेंगे? और जो उन्होंने भोले के साथ किया, तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। क्या तू मेरे ईमान पर शुबा कर रही है? शिर्क करने का इल्जाम लगा रही है मुझ पे? जानती है वो अल्लाह के बरकसीदा बंदे हैं, इतनी नेक पाक हस्ती है वो। नहीं अम्मा जी, मुझे उनकी पाक हस्ती होने पर कोई शुबा नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह के ये सारे नेक बंदे, सारे वली वो तालीमात देकर नहीं जाते जिन पर उनके अकीदतमंद उनके जाने के बाद अमल कर रहे होते हैं। अम्मा जी, ये सारे वली अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में गुजार देते हैं कि किसी तरीके से इंसान और अल्लाह करीब हो जाए, और हम क्या करते हैं? उनके जाने के बाद उनके बड़े बड़े मजार, बड़े बड़े दरबार खड़े कर देते हैं, और उनकी सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी तालीमात को छोड़कर उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। लेकिन मैं मन्नत मान चुकी हूँ, मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे इम्तिहान में ना डाल। इम्तिहान में आप खुद अपने ईमान को डाल रही हैं अम्मा जी। कैसी मन्नत, कैसा वादा? आपका भोला या मेरा बच्चा, सब अल्लाह की देन है, और वही अपनी अमानत वापस लेने वाला भी है अम्मा जी। आप तहज्जुद पढ़ती हैं, महीने में दो कुरान खत्म करती हैं माशाल्लाह से,
आपका पूरा वजूद 24 घंटे बावजूद रहता है, आपके होठों से आयतों की महक आती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, जिस अल्लाह की इतनी इबादत करती है तो इतना भरोसा रखें कि उसके इख्तियारात में किसी को शरीक ना करें। अम्मा जी, खुदा का वास्ता है आपको। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ऐसी जिसारत कैसे कर सकती हूँ। तो बार। नहीं अम्मा जी, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ अनजाने में और बचपन में उस इल्म के ज़ेरे असर आपने लाइल्म होकर किया है। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अम्मा जी अब तो जान ले, अब तो होश में आ जाए, जान ले कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर। भोले से अलहदगी या तलाक की सूरत में उस जायदाद का वारिस तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन यह खतरा नहीं टल सकता कि वो बच्चा तुमसे छीनने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन भोले के मरने की सूरत में तुम आराम और इज्जत से उसकी जगह ले सकती हो, समझे? और जहां तक बात नुसरत चाचा की है, तो किसी इंसान का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे आदमी को छोड़ दूंगा जिसने अपने भतीजे को पहले दिमागी मरीज बनाया और उसके बाद जायदाद के लिए उसकी जान ले ली? ऐसे आदमी को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो भी सारे सबूतों के साथ। तो मुझे धोखा देना चाहता था, मुझे पुलिस के हवाले करेगा तू? मुझे तू क्या पुलिस के हवाले करेगा? मैं पुलिस के हवाले? ऐसा नहीं कर सकते। किसी जुर्म का इरादा या महज प्लानिंग करने पर कानून कोई सजा नहीं देता, उल्टा आप फंस सकते हैं क्योंकि आप अपने इरादों पर सालों से अमल करते आए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगाने से पहले किसी सियाने के वो अल्फाज याद कर लें, यह धोखा बड़ी वफादार चीज है, आप चाहे जिसे भी दें घूम फिर कर आप ही के पास आता है वापस। धोखा, सिर्फ धोखा, ये जो आप इतने सालों से हमें देते आए, ये सिर्फ धोखा नहीं है, आप झोली भर भर के गुनाहों को समेटते रहे हैं कोमल के अब्बा। रिजवाना, तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप, तुम कुछ नहीं जानती, तुम खामोश। काश मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम अच्छे बाप बनकर तो दिखाते। अरे तुम इस लाची और मकार शख्स के साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम करते रहे। अरे और तो और, अपनी बेटी का हाथ इस शख्स के हाथ में देने को तैयार थे। अरे बुरे से बुरा शख्स भी अपनी बेटी के लिए अपने से अच्छा आदमी ढूंढता है, और तुम तो अब यहां खड़े क्या कर रहे? चलते हो यहां से, आप मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है, अपनी शक्ल गुम करो, जाओ जाओ। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाए, वरना जो हकीकत आज आपके घर वालों के सामने आई है मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। देखो जो कुछ हो गया मैं उसको वापस नहीं ला सकता,
जो होना था वो हो गया, लेकिन ख्याल रखना भाभी जी को कुछ ना पता लगे, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखिए अम्मा जी, वही खालिक है वही मालिक। तू इधर बैठी मजे कर रही है, मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे अकेले कमरे में छोड़ के मत जाया करिया, तू फिर चली जाती है और अब तू क्या आंसू बहा बहा के मुझे दिखा रही है। जितना मर्जी रो मैंने अपनी दुल्हन को भेजा ना, नहीं छोड़ के जाना इस कमरे में, चल मेरे साथ दुल्हन। भोले कितनी दफा समझाया कि माँ से इस तरह बात नहीं करते। हाँ तो तेरा क्या है, तू तू तो समझाना तेरा शौक है, तू तो हर बात में समझाती रहती है, कभी इस बात में कभी उस बात में। लेकिन एक बात यह तुम्हें नहीं समझा पाएगी, क्योंकि इस बार अपनी सफाई में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। साहिर मियां बहुत चालाक बन रही हो तुम, मेरी बाजी मुझ पर पलट कर समझ रही हो कि तुम जीत गई। ये तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो मेरी बहू से, कोई अदब आदाब रह गए या नहीं? ये अदब आदाब आप मुझे मत सिखाइए, अपनी बहू की खबर लीजिए। इसके खानदान को नजरअंदाज कर सकती हैं आप, आला जर्फ बन के इसके माजी को भुला सकती हैं, मगर क्या एक बदकिरदार औरत को वो इज्जत और मकाम दे सकती हैं आप? इतना बड़ा दिल है आपका? जाहिर अपनी बकवास मत करो, मेरे किरदार के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा ना तो क्या क्या कर लोगी तुम? मैं यहां से मायूस खाली हाथ वापस जा रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारी फतह पे जश्न मनाने कैसे दे सकता हूं मैं? बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का, अब तुम देखना तुम्हारे नीचे से जमीन भी खींचूंगा और सर से आसमान भी। मेरी दुल्हन के साथ रोटी मारने बाहर में ओए ओए बोले बोले हाय लगी सही दिखाओ। बड़ी गैरत जागी है दीवाने की, इतने गैरत नहीं है ना तो फिर सुनो, ये तुम्हारी बीवी होते हुए मुझसे इश्क लड़ाती रही है, चुप चुप के मुझसे मिलती थी, ये तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है, ये यकीन नहीं आता तो सारे मैसेजेस पढ़ लो इसमें। नूर इससे क्या पूछनी है, ये इसकी झुकी हुई नजर और खामोशी आपको सच्चाई नहीं बता रही? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए वो मैसेजेस जिनमें ये मुझे भागने पर मजबूर कर रही थी, या फिर वो तस्वीरें देख लें जिनमें ये किसी और के साथ निकाह में होते हुए मेरे साथ थी। खुश नहीं थी, भाभी बेगम के नीचे दबकर हमेशा कलसती रही, से झगड़ती रही कि सब छोड़ें निकलें यहां से, अगर सच पूछे तो कभी कभी अकेले में मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता है कि मैं कितने छोटे दिल की हूं, और आप कितने अजीम इंसान हैं बगैर किसी लालच के किसी तमा के बीवा भाभी से ताल्लुक निभाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये गुमान टूट गया है, मेरा तो दिल छोटा है और आप तो जर्फ के कमतर निकले, मैं तो सिर्फ उनसे नफरत करती रही और आप उनकी जड़ें काटते रहे। बाबा बाबा प्लीज उसको रोके जाकर प्लीज। कैसे बेटा? बाबा वो साहिर पता नहीं वहां पे सबको भाभी के बारे में क्या झूठ सच बोल रहा है, आप जाकर बताए ना कि भाभी ऐसी नहीं है, प्लीज उनको बताए, भाभी तो ये सारा कुछ सिर्फ साहिर की असलियत हम सबके सामने लाने के लिए कर रही थी,
भाई जी की तो हालत भी नहीं देखी जा रही। पापा प्लीज आप जाकर सच बता दें उनको। वो बेटा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं भाभी जी को अपनी अपनी असलियत बताऊंगा तो मैं सबके सामने आ जाऊंगा। मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कुछ कर सकता। तो क्या एक बेकसूर को जलील करवा कर इस घर से निकलता देखकर खुद से नजरें मिला पाएंगे आप? रिस्वाना, खुदा मुझ में हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझ में है। इससे पहले कि मेरी बेटी पर किसी की हाय लगे, आपकी करतूत और मेरी खामोशी उसके आगे आए, इससे कहीं बेहतर है कि हम जाकर उन्हें सच बता दें और जलील हो जाएं। और देखा जाए तो हम इसके मुस्ताहिक भी हैं। मगर आता सच है। बस अगर ये आता सच भी है तो मेरे दिल के टुकड़े करने के लिए काफी। पूरी हकीकत बताकर मुझे राख करना चाहती है क्या? हाँ, कहाँ की तुम्हारी गैरत? तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मुझे चाहती है। तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है। बकवास बंद कर मियां के बच्चे, ये तो अकल से बेगाना है। आप भी क्या फिर से मसलियत पसंदी से काम लेंगी? ऐसी औरत को अपने घर की बहू बनाएंगी आप? शरीफ लोग कचरा घरों में सजा कर नहीं रखते, बाहर फेंकते हैं। उठाए से और फेंके बाहर। बकवास बंद कर, मैंने चूटी मारनी है तेरे सर के ऊपर। अम्मा इसको रोक ले, इसको इसको जाने ना दे। छोड़ते बोले जाने दे से, ये हमारे लायक नहीं है। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी लड़की होती नहीं है और दुपट्टा तो मुझसे प्यार करती है। ये झूठा है, ये मियां झूठा है, झूठ बोलता है ये, इसको झूठी मारूंगा। बोले बोले छोड़ दे, जाने दे, जाने दे, जहां से आई है ये। कचरे से आई थी, कचरा बन के जा रहे। कहा था मैंने तुमसे नूरी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। अगर मुझे यहां से कुछ नहीं मिला तो तुम भी यहां से खाली हाथ जाओगी। जब दिलों में जगह नहीं रहती तो घर पे जबरदस्ती जगह नहीं बनाते। मैं नहीं जाने देना। बोले नहीं, बोले नहीं, नहीं नहीं जी, कोई भी नहीं, नहीं जाने देना, नहीं जाना। आपने कहीं भी मुझे छोड़ के नहीं जाना। मैं
मेरे सामने देख, देख इस हवेली में क्या तमाशा हो रहा है। तू ठीक कहती थी, ये मेरी बहू बनने के लायक नहीं, मैंने इसे पहचाना ही नहीं। तू ठीक कहती थी। नहीं भाभी, मैं गलत थी, आप सच्ची थी। आपने इसे पहचान लिया था और अब आप अपनी परख में शक कर रही हैं। आपकी बहू हीरा है, हीरा। रिजवाना, अगर ये अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है ना, तो फिर कोई औरत नहीं है। अपने शौहर से वफा निभाने के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी? इसे बचाने के लिए इसने वो कदम उठाया जिसे उठाने से उसको पता था कि इसकी इज्जत पे भी हर्फ आ सकते हैं और ये धुतकारी भी जा सकती है। और दूसरा, कोई ठिकाना ना होने के बावजूद इसने ऐसा किया। ऐसे करता है कोई? ये सिर्फ नूर बानो कर सकती है, सिर्फ नूर बानो। क्या कह रही है तू? कुछ समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी भाभी। सारी उम्र में यही समझती रही कि खून और नसब सबसे बढ़कर है, लेकिन देख ले, जिसे मैं कम नसब समझकर हमेशा हकारत से देखती थी ना, उसी ने मेरी बेटी को गलत हाथों में जाने से रोक दिया। और वो आपके आला नसब देवर, आपका अपना खून होते हुए भी वो भाभी जी अपनी गलतियों और गुनाहों का इतराफ में बाद में करूंगा। पहले आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। इस नेक सीरत नूर बानो को रोक लीजिए। खुदा के लिए नूर बानो वो सब कुछ कर सकती थी जिसका इल्जाम जाहिर इस पे लगा के क्या। भाभी जी वो रास्ता इसके लिए बहुत आसान भी था और फायदेमंद भी, लेकिन नूर बानो ने ऐसा नहीं किया। इसने अपने लिए घाटे का सौदा कर लिया और अपने शौहर के लिए, आपके लिए और इस हवेली के लिए भला सोचा। भाभी जी से रोक लीजिए, इस हवेली की खुशियों को मत जाने दीजिए। रोक लें इसे, रोक लें। क्या कर रही है आप? इसका 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 मतलब है कि मेरी दुल्हन अब कहीं भी नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी हमेशा हमारे घर के बीच में। है है बोला है, है? अब मेरी दुल्हन के जा रही मैं जान। हाँ जी, मेरी दुल्हन इधर ही है। मैं अब तुम्हारे को मेरे अम्मा को तंग भी नहीं करूँगा, हाथ भी दूंगा प्यार भी, क्योंकि मुझे और कितना ज्यादा दुल्हन जा रही है अम्मा कहीं ना जाना। मैंने यही कहा ना तुम्हारे बगैर। खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, जीते जी कोई ना कैसे
गया है। कहिए। हाँ, इतना जल्दी कैसे किया? क्योंकि ये बच्चों वाला है, छोटे छोटे बच्चों को पूछोगी उनको भी पता होगा। बड़ा हूँ मैं, मुश्किल वाला पूछो। पक्का? बहुत ज़्यादा पक्का। मुश्किल दो, ये बच्चों वाला है। सही है, छुट्टी करते हैं आज। बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा खाना है। डॉक्टर ने कहा था ना कि दवाई खाने से पहले आपको ये थोड़ा खाना है, फिर दवाई जो है उसका असर बुरा नहीं होता। थोड़ा खाना है, इतना थोड़ा, अब एक चम्मच अपने लिए खाया, अब एक चम्मच जो है वो मेरे लिए। भोले, देख लिया है मैंने तुझे। तुझे पता है मैं कब से सबसे तेरा पूछ रही हूं, कब से पूछ रही हूं भोला कहां है। मुझे तो लगा था कि तुझे पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा, पूरा घर सर पे उठा लेगा। तूने तो इसे देखना भी गवारा नहीं किया। क्या मैं वो खुशी नहीं हुई तुझे? हुई है खुशी तो मुझे, बहुत ज्यादा हुई है खुशी। इतनी ज्यादा हुई है खुशी तो हुई है, पर मगर क्या? मगर वो डर लग रहा है, बहुत डर है मुझे। किससे डर रहा है? खुद से। ये मेरे जैसा तो नहीं है ना, है ना? नहीं है ना? इथरा, नहीं। इथरा, नहीं। बोले, नहीं। बोले, हाँ? मेरे पास आके बैठ। थरा,
आ जा। अच्छा मेरे पास बैठ। बैठो। इधर देख, देख अपने बेटे को बिल्कुल तुझ जैसा है। नहीं नहीं, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए ये, मुझे तुम्हारे जैसा चाहिए, मेरे जैसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल तेरे जैसा हो। लेकिन मैं तो वो हूँ ना। क्या मैं तो वो? तू बिल्कुल ठीक है, तुझ में जो कमी है अल्लाह करे सब में हो। अगर ऐसा हो तो सोच दुनिया कितनी हसीन जगह हो जाएगी रहने के लिए। हाँ भोले, मैं चाहती हूँ सब तेरे जैसे हो। मैं तो खुद तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। पाकीज़ा, अंदर बाहर से शफाफ, वो अपने बेटे को पकड़, इसका माथा चूम, ताकि इसे तेरी तासीर मिले। चल अब बोल। क्या 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 बोल रहा है? क्या क्या बोल रहा है? क्या हाँ क्या मस्ती मस्ती? हाँ नहीं नहीं नहीं, चल चल एक दफा बोल। नहीं ना, चल बोल ना। नहीं अब नहीं बोलता। अच्छा ना बोल, एक दफा मेरे लिए बोल। हाँ हाँ मस्ती Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and zabardast content.